हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट 1 दैट इज सॉलिड स्टेट लेक्चर 1 के साथ स्टार्ट कर रही हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत टाइम से इंतजार हो, बट सॉरी फॉर द डिले, बट आज से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। लेक्चर 1 है, बैच 2019 पे मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपको अगले साल जेई का एग्जाम देना है। क्लास 11th के लिए वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, अब से आप लोगों के लिए क्लास 12th वाले बच्चों के लिए वीडियो स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब जो जो मैं पढ़ाऊंगा लेक्चर 1 में लेक्चर 2 में, बात मैंने कर ली थी कि इस यूनिट को मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ। 7 लेक्चर्स होंगे, 5 लेक्चर में थ्योरी कंप्लीट होगी और एक लेक्चर आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का होगा और एक लेक्चर में डाउट क्लास होगी। डाउट क्लास में कैसे कंडक्ट करूंगा मैं आपको बता दूंगा, लाइव क्लास होगी उसमें टेंशन मत लेना, लाइव आके आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ये सारी बातें हो गई, अभी आपको इससे बढ़िया कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ आपको करना क्या है, फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है और साथ बने रहना है। और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, यदि आप चाहते हैं कि आपका आने वाला टाइम जो आपका बैच 2019 है उसमें बहुत सारे सिलेक्शन हो। इस साल जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, आई होप कि अगले साल आपसे जितने भी 2018 में सिलेक्शन हुए उनसे ज्यादा सिलेक्शन चाहिए हमें। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, मैं आपको टाइम टू टाइम पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं टॉप एजुकेटर हूँ एट अनअकैडमी इन द आईटीजी कैटेगरी। आईटीजी कैटेगरी में मैं टॉप एजुकेटर हूँ। 24 कोर्सेज में बना चुका हूँ अभी तक विद अराउंड 270 प्लस वीडियोस। तो आप मेरे को अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, उन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे मेरे को फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा कि वहाँ पे भी मेरी डेली बेसिस पे वीडियो आती हैं, यहाँ पे भी वीडियोस आती हैं, तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इन सब के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ ताकि सभी बच्चों को वीडियोस मिलती रहे। बता देता हूँ, जस्ट अभी रिसेंटली मैंने अनअकैडमी पे मॉल कंसेप्ट पढ़ाया था। पूरा डिटेल्ड कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत प्यार से हैंड रिटन नोट्स के साथ वहाँ पढ़ाया गया है। तो आई होप ये कोर्स आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, आप वहाँ देख सकते हैं एज आई एम वेरीफाइड, यहाँ पे टिक भी लगा हुआ है अनअकैडमी का, और फॉलो कर लेना है, ग्रीन सा बटन होगा यहाँ क्लिक करके। फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, कोई पैसे नहीं लगते, फ्री प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सॉलिड स्टेट अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, एक एक चीज को ध्यान से सुनना है। ठीक है, अराउंड 20 to 25 मिनट्स की वीडियो रहेगी, 5 वीडियोज में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको यदि एनसीईआरटी पढ़ने का नहीं भी मन तो मत पढ़ लेना, सारी थ्योरी मैं इधर कंप्लीट करवा दूंगा, और जो जो चीज लिखवाऊंगा वो अपने नोटबुक में नोट डाउन करनी ही करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो स्टेट ऑफ मैटर में बात करूं तो बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। बात क्लियर? अब देखो यहां पे मैं पढ़ रहा हूं सॉलिड, सर लिक्विड का पढ़ाओगे? देखो तो लिक्विड की मैं बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्लास 11th में पढ़ा दिया होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में लिक्विड की बात हुई होगी। गैस की मैं बात करूं तो क्लास 11th केमिस्ट्री विच इज नथिंग बट गैसियस स्टेट, तो वहां हमने यहाँ गैसियस स्टेट के साथ डील कर लिया था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट है तो पूरा सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन का काम होता है। जो आपका रूम है, रूम में बैठे बैठे सारे क्यूब, सेंटर, वर्टिसेस, ये सब मैं आपको एनालाइज करवा दूंगा। ठीक है, आपको इस चीज की टेंशन नहीं करनी है, तो बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। देखो सॉलिड की सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, सॉलिड होता क्या है। देखो सॉलिड, आप कुछ सोचो, सॉलिड में आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे सॉलिड के अंदर? अरे सर, सॉलिड के अंदर एक तो पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, यानी उनके बीच जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। इट मींस सॉलिड में बात करूं तो दे आर क्लोजली हेल्ड एंड टुगेदर बाय स्ट्रांग इंटर पार्टिकल फोर्सेज। अब देखो उनकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, तो हाई डेंसिटी, क्या कंप्रेस कर सकते हैं कोई सॉलिड की चीज को? नहीं। तो कहते हैं कि वेरी वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल मतलब उसको दबाया जा सकता है, यानी जैसे गैस हो तो गैस में बैलून, बैलून में गैस भरी तो आप उसको ऐसे दबा सकते हो, लिक्विड में भी पानी की बोतल में लिक्विड भर दूं तो कुछ हद तक वहां पे भी दबाया जा सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू सॉलिड स्टेट वेरी वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी, मतलब हाईली नेग्लिजिबल, तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब थोड़ी सी उसके अंदर स्ट्रांग होता है, बिल्कुल होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एक शेप होता है। आप चौक ले लो, कोई भी सॉलिड का ऑब्जेक्ट ले लो, ईट ले लो, ब्रिक होती है जिससे घर बनता है, तो दे हैव डेफिनेट शेप। अब देखो इन सब चीजों को मैं क्लब करूं तो एक डेफिनेशन निकल के आएगी। सॉलिड्स वो चीजें होती हैं जिनका एक डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, रिजिडिटी होती है, हाई डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है सर, सॉलिड की बात क्लियर हो गई। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो सर ये सब तो मेरे को पता है। प्यारे बच्चों, मेरे को पूरे सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए लेक्चर्स को बनाना होता है, तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज पढ़ाई जाए ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिले। अगली चीज की मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ सॉलिड की मैं बात कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ सॉलिड आर मेनली टू टाइप्स,
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द अमोर्फस सॉलिड्स। देखो क्योंकि आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट है और आपको अब इस साल बोर्ड का एग्जाम भी देना है, तो मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं बोर्ड में, अराउंड मैंने उन सबका डाटा कलेक्ट किया था, आपको दिखा भी देंगे, अराउंड मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे ने केमिस्ट्री में 90 अबव स्कोर किया है एंड मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर 95+। मतलब 95+ तो बच्चों ने ऐसे लाइन लगा दी थी जो बच्चे मुझसे केमिस्ट्री पढ़ के गए थे। तो नाउ इट्स योर टाइम टू एक्सेल इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इन IIT JEE और नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब देखो बोर्ड का पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखो वो सब चीजें भी बताऊंगा जो बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में बनता है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर की यूनिट है सॉलिड स्टेट। पहला क्वेश्चन बनेगा डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। चाहे बच्चे आप लिख भी लेना ये बात कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, 3 मार्क के क्वेश्चन। अब इसका डिफरेंशिएट करना भी बहुत जरूरी है, कैसे क्या होता है। देखो सॉलिड मैंने बता दिया क्या होता है, अब इसकी क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ टेबल की हेल्प से मैंने 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा, तो बोर्ड में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए, बल्कि 7 बता दूंगा, यहाँ पे एक एग्जांपल भी बता दूंगा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है ना, इनके अंदर एक डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, ये बात क्लियर हो गई, फिर से बोल रहा हूँ, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत रेगुलर होता है क्रिस्टलाइन में। वहीं मैं बात करूं, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, वहीं मैं बात करूं यहाँ पे अमोर्फस की, तो दे डोनट, देखो एक में होगा तो दूसरे में नहीं होगा, जब तो डिफरेंस बताएंगे, तो दे डज नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस, इनके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। अब मैं बात करूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो दे आर ट्रू सॉलिड्स। वहीं मैं इनकी बात करूं तो दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स और सूडो सॉलिड्स, मतलब ये सूडो सॉलिड्स होते हैं, मतलब होते नहीं, बट जैसे आपने सूडो फोर्स पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसी तरह इनको सूडो सॉलिड्स बोला जाता है। अब देखो इनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन में, तो क्रिस्टलाइन में जब रेगुलर अरेंजमेंट है तो लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, मतलब एक लंबी रेंज में पार्टिकल्स अरेंज हो रहे होंगे। वहीं मैं अमोर्फस सॉलिड की बात करूं तो दे हैव ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में यहां से भी पूछ सकता है, स्टार मार्क कर लेना, इसलिए आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज या डिफाइन एनी एन आइसोट्रॉपिक या डिफाइन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी 1 मार्क में पूछी जा सकती है, इसलिए दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना, डिफाइन एन आइसोट्रॉपी, स्टार मार्क कर लेना क्या है। तो सबसे पहले तो जानना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर पे, कैसे होते हैं एन आइसोट्रॉपिक। अब इसका मतलब क्या होता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे इस लाइन में जाएंगे तो अलग प्रॉपर्टी, किसी लैटिस में इस लाइन में जाएंगे तो अलग प्रॉपर्टी, इस लाइन में जाएंगे तो अलग प्रॉपर्टी, यानी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होना ही क्या होता है एन आइसोट्रॉपी, ठीक है। बात क्लियर होगी एन आइसोट्रॉपी क्या होते हैं। तो अब अमोर्फस सॉलिड की मैं बात करूं तो दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। व्हाट दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसो मतलब ही सेम होता है, द वर्ड आइसो रिप्रेजेंट्स सेम, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ। अभी आप डायरेक्शन सोच के घबरा रहे होंगे, सर क्या डायरेक्शन, अभी 5 मिनट रुको सब समझाता हूं। तो दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, बात क्लियर। अब देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट है, तो दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कोई एक मान लो कोई भी एक क्रिस्टल है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है मतलब 723 डिग्री सेल्सियस है या 582 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अमोर्फस सॉलिड्स की मैं बात करूं तो दे डोंट हैव ए रेगुलर अरेंजमेंट, दैट्स व्हाई दे हैव ए मेल्टिंग पॉइंट ओवर ए रेंज, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता, इनकी एक रेंज होती है, मतलब 500 से 510 के बीच या 600 से 615 के बीच, ऐसी एक रेंज मिलेगी आपको, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा अमोर्फस सॉलिड में, ठीक है। अब देखो दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज, अब देखो बढ़िया ऑर्डर है, बढ़िया पार्टिकल्स अरेंज हो रखे हैं तो बढ़िया ढंग से कटेंगे, तो दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज व्हेन कट। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू अमोर्फस सॉलिड्स दे अंडरगो इररेगुलर क्लीवेज व्हेन कट। आई होप जो 6 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं समझ आ गया होगा। 7th पॉइंट में लिखेंगे सब बच्चे एक एक एग्जाम्पल, जितने भी आयनिक क्रिस्टल्स हैं यार क्रिस्टलाइन इन नेचर NaCl KCl सब एग्जाम्पल में डाल दो, NaCl KCl लिख लिया। अमोर्फस सॉलिड की मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल लिखेंगे 7th पॉइंट यहाँ पे ग्लास, ग्लास इज अमोर्फस सॉलिड। रबर की मैं बात करूं तो रबर भी एक अमोर्फस सॉलिड है, बात क्लियर हो गई। अरे सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस बता दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, भूल गया तो मैं एग्जाम टाइम तक कौन रेगुलर कौन इनरेगुलर। देखो यदि आपको ये याद रहेगा ना रेगुलर है
तो आप सारी प्रॉपर्टीज लिख दोगे, और जो इरेगुलर है उसकी प्रॉपर्टीज भी लिख दोगे। तो आपको याद रखने की एक ट्रिक भी बता देता हूँ जो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जब मान लो आप कहीं जाते हो और लाइन में खड़े होते हो, आपको बोल दिया आपके स्कूल में जब आप रिसेस वो प्रेयर वेयर करते हो स्टार्टिंग में मॉर्निंग में, तो आपको बोला जाता है एक लाइन में खड़े रहो। जब आप लाइन में होते हो तो एक बढ़िया ढंग से अरेंजमेंट होता है नहीं होता, तो प्यारे बच्चों आंखें खोल के देखना, क्रिस्टलाइन में वर्ड लाइन आ रहा है। लाइन मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट, तो बस अब याद रख लेना क्रिस्टलाइन में वर्ड लाइन आ रहा है, और लाइन का मतलब रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट है इसलिए इनके अंदर एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, इसलिए अंदर इनके अंदर एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए एक बढ़िया ढंग से ये कटते हैं। बस सारी बातें क्लियर। अब इसके अपोजिट सारी इररेगुलर अरेंजमेंट के साथ अमोर्फस सॉलिड में डाल देना। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, बड़े प्यार से समझाया एक एक चीज को। आगे बढ़ रहा हूँ, देखो एक एक पॉइंट पे इतना फोकस किया जाएगा ताकि आपको कहीं डाउट ही ना आए। अगला पॉइंट क्या है, अब देखो अगेन मैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की मैं बात करूं तो यहाँ पे चार टाइप की क्लासिफिकेशन और आएगी। कौन कौन सी? आयोनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट नेटवर्क और मेटालिक। अब देखो आयोनिक है तो इनके अंदर फोर्सेस कैसी होंगी? आयन आयन फोर्सेज होंगी। अब देखो आयन आयन फोर्सेज हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो ब्रिटल इन नेचर, हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल सारे आयनिक कंपाउंड्स के ले लो आप, NaCl, KCl, MgCl2। बात क्लियर, आयनिक में आयन आयन के बीच फोर्सेज होगी। मॉलिक्यूलर की मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर में डिस्पर्जन फोर्सेज होंगी, या डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होंगी, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी हो सकती है। अब देखो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं या डिस्पर्जन फोर्सेज हैं, दैट्स व्हाई दे आर सॉफ्ट होते हैं थोड़े नेचर में, लो मेल्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, बेसिकली ज्यादा कंडक्टिंग नहीं होते। वाटर, Br2, CO2, CH4, मीथेन। कोवेलेंट नेटवर्क की बात करूं, देखो कोवेलेंट नेटवर्क है तो उनके अंदर बॉन्डिंग कैसी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होगी, कोवेलेंट होंगी, यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ये हार्ड होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। एग्जांपल याद रख लेना कार्बन डायमंड, SiO2। अगली मैं बात करूं तो मेटेलिक होगा, मेटेलिक जो सॉलिड है उसके अंदर बॉन्डिंग कैसी होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। मेटेलिक है तो वेरिएबल हार्डनेस हो सकती है, मेल्टिंग पॉइंट होंगी, मेटल्स हैं तो अच्छे खासे कंडक्टर होंगे। कोई भी आप मेटल का ना यहाँ एग्जांपल लिख सकते हैं, सोडियम, जिंक, कॉपर, यहाँ पे आयरन, कुछ भी मेटल का आप एग्जांपल लिख सकते हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये छोटा सा एक क्लासिफिकेशन था जो काफी इंपॉर्टेंट है, NCERT में टेबल भी दे रखी है। अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिट सेल। तो प्यारे बच्चों यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? देखो तो यूनिट सेल का मतलब ऐसे से समझना कि मान लो आपके घर में दीवार है, दीवार सबके घर में दीवार है, सर क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बात है, सबके घर में दीवार है। तो दीवार वो बनी किस चीज से है? वो दीवार बनी है एक एक ईंट को जोड़ के बनी है, एक एक ईंट को जोड़ के बनने से वो दीवार बनी है ना। इसी तरह क्रिस्टल भी जब बना होगा, कोई बड़ा क्रिस्टल बना होगा, केमिस्ट्री में क्रिस्टल बना होगा, तो वो छोटे छोटे यूनिट सेल को जोड़ के बना होगा। यानी यूनिट सेल क्या हो गया, जिस तरह दीवार में ईंट है वो छोटा सा पार्टिकल, छोटी सी एक ज्योमेट्री है जिससे पूरी दीवार बनी है, इसी तरह पूरे केमिस्ट्री में जो क्रिस्टल बना है वो उसके उस यूनिट सेल के बार बार रिपीट होने से बना है। बात क्लियर हो गई होगी, यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच कैन बी यूज एज रिपीटेटिव यूनिट। मैंने क्या बोला, दीवार में बार बार ईंट लगाएंगे तो पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी, इसी तरह केमिस्ट्री में क्रिस्टल बनाने के लिए यूनिट सेल्स को बार बार रिपीट करेंगे तो एक बड़ा क्रिस्टल बन जाएगा। यही चीज यहाँ लिख रखी है, विच कैन बी यूज एज रिपीटेटिव यूनिट टू बिल्ड अप द होल क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। आई होप ये बात सारी क्लियर हो गई होगी। यूनिट सेल की बेसिकली डेफिनेशन क्लियर हो गई। यूनिट सेल मान लो ये यहाँ पे क्यूब है, ये यूनिट सेल है आपका, ऐसे बहुत सारे क्यूब्स को जोड़ के एक बड़ा क्रिस्टल मैंने बनाया था। इस क्यूब को मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए, क्यूब की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए छह पैरामीटर्स, देर आर 6 पैरामीटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए यूनिट सेल। व्हाट आर दीज? देखो उसकी तीन साइड होंगी, साइड को मैं बोल देता हूँ A, B और C, तीन साइड होंगी और तीन साइड्स के बीच में बनने वाले तीन एंगल होंगे, यानी टोटल ऐसी छह चीज हो गई। देखो A और C के बीच में बनने वाला एंगल बीटा होगा, A और B के बीच में बनने वाला एंगल गामा होगा, और B और C के बीच में बनने वाला एंगल अल्फा होगा। यानी 6 पैरामीटर्स आर नीडेड टू डिफाइन एनी क्यूब। बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कितने टाइप्स की होती हैं? मेनली आप तीन टाइप की पढ़ोगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहली क्या है? सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल को ही प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है। क्या होता है? इनके अंदर खाली एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस पिक्चर आई हैव टेकन फ्रॉम NCERT, क्योंकि NCERT इज द बेस्ट बुक टू रेफर दैट पर्टिकुलर यूनिट। सॉलिड स्टेट को पढ़ने के लिए NCERT से बढ़िया कोई यूनिट नहीं है। NCERT
पढ़िए सॉलिड स्टेट के लिए सबसे अच्छी बुक अभी तक वही है, उसमें बहुत बढ़िया ढंग से डायग्राम बना रखे हैं, सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे जो सिंपल यूनिट सेल है उसके अंदर क्या होगा, एक कॉर्नर पे देखो मान लो ये पूरा एक कमरा है। अब देखो कमरे की मैं बात करूँ, अब देखो यहाँ पे इमेजिनेशन का काम आएगा। मान लो ये क्यूब हो गया, ये एक पीछे वाला क्यूब, ये एक आगे वाला क्यूब, ये एक पीछे वाला क्यूब, चार क्यूब ऊपर हो गए। सिमिलरली पांचवा क्यूब आगे वाला, छठा पीछे वाला, सातवा ये रहा और आठवा उसके पीछे, टोटल चार क्यूब ऊपर है, चार क्यूब नीचे है, तो टोटल आठ क्यूब हो गई। आठ क्यूब के सेंटर पे मैंने यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पे एक एटम रख दिया, यहाँ पे हमने कॉर्नर पे, मतलब बेसिकली मैंने एटम कहाँ रखा है, यहाँ कॉर्नर पे रखा है, इन दोनों के कॉर्नर पे। अब मैं यहाँ पे कॉर्नर पे एटम रखूंगा तो ये कितने उसमें शेयर करेगा, कितने यूनिट सेल में शेयर करेगा सर? चार में करेगा, चार में करेगा, आठ में करेगा? सोचो सोचो, ध्यान से सोचो, देखो टाइम लो, सोचो, इसमें सोचने का ही खेल है प्यारे बच्चों। सोचो चार में कवर करेगा या आठ में कवर करेगा? आठ में कवर करेगा सर, कैसे? ठीक है सर, यहाँ पे रख के दिखाओ। चलो मैंने यहाँ पे रख दिया सर, अभी देखो चार में कर रहा है। तो प्यारे बच्चों इसके ऊपर भी तो एक यूनिट सेल आएगा ऐसा का ऐसा, फिर ये चार को कवर करेगा, यानी चार नीचे वाले, चार ऊपर वाले कितने हो गए? आठ हो गए। अरे वाह सर, अभी मैं समझा कि यहाँ कॉर्नर पे रखा है एक तरह से, और नीचे के चार यूनिट सेल और ऊपर के चार यूनिट सेल। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। इस तरह से आठ यूनिट सेल को यहाँ पे ये एटम है जो गोला है ये टच करता है। अब देखो इसको थोड़ा सा ग्राम यहाँ पे पिक्चर की फॉर्म में दिखाऊं तो मैं आपको, मान लो ये क्यूब है, क्यूब के हर कॉर्नर पे आप एक एक बॉल रख देते हो, क्यूब के हर कॉर्नर पे आप एक बॉल रखोगे और हर बॉल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा सर? एक बॉल आठ में शेयर हो रही है तो एक कॉर्नर पे रखने पे उसका कंट्रीब्यूशन तो 1/8 हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, यानी एक कॉर्नर पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अरेंजमेंट है, आप यहाँ पे देखो इस टाइप से आपको कुछ फिगर दिखती है, हमें मेनली इस फिगर से काम होगा। मैं 99% क्वेश्चंस में इस फिगर को से देख के आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा, ठीक है? तो आपको क्या याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक सेल में 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होता है और हर एटम का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना होता है 1/8। तो टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट हो गए? देखो एक यूनिट सेल में 8 एटम मैंने रख दिए, और कहां कहां रख दिए? हर कॉर्नर पे रख दिए, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल कितना हो गया? 1 एटम हो गया, ठीक है? तो बात क्लियर हो गई। अगली यूनिट सेल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अगली यूनिट सेल जो है अपने पास फेस सेंटर क्यूबिक। देखो हर में कॉमन क्या रहेगा, कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, जैसे सिंपल क्यूबिक में क्या था, कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट थे, बट अब फेस सेंटर की मैं बात करूं तो फेस के सेंटर पे भी एटम्स आ जाएंगे। अब देखना, ये आप देख रहे होंगे ये क्यूब है जो ग्रीन ग्रीन वाले ये सारे हैं जो कॉर्नर्स पे है। देखो आठ कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, तो ये हर कॉर्नर पे एक एटम आ गया, बात क्लियर? ठीक है, कॉर्नर्स पे एटम आने के बाद अब टोटल 6 फेस थे मेरे पास, कितने थे? 6 फेस थे। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? अब मान लो आंखें बंद करो, आंखें बंद सर, आंखें बंद कर लेंगे दिखेंगे ऐसे, चलो तो आंखें खोल के रखो और ध्यान से देखना, जिस भी कमरे में आप बैठे हैं आपने सामने वाली दीवार देखी, पीछे वाली दीवार देखी, देखो जो मैं बोल रहा हूं उसको फील करना है, बिना फील के चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए ना और आपको समझ में आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। जब तक आप चीजों को फील नहीं करेंगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। क्या मैंने बोला? आप जहां कमरे में बैठे हैं सामने वाली दीवार पे फोकस करो 1, पीछे वाली दीवार सर नंबर 2, लेफ्ट वाली दीवार नंबर 3, राइट वाली दीवार नंबर 4, ऊपर वाली दीवार नंबर 5, और नीचे वाला फर्श नंबर 6। तो टोटल कितने फेस हो गए सर? टोटल 6 फेस हो गए। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक फेस पे एटम रखा, दूसरे फेस पे एटम रखा, तीसरे फेस पे एटम रखा, चौथे फेस पे एटम रखा, पांचवें फेस पे एटम रखा, और ये छठे फेस पे एटम रख दिया। देखो ये दोनों आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे ये ऊपर नीचे, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, बात क्लियर हो गई? टोटल 6 के 6 क्लियर होने चाहिए। अब देखो मेरी बात सुनना, दीवार पे जब एक आप यहाँ पे रख देंगे, क्या रख दोगे दीवार पे? दीवार पे मान लो एक बॉल रख दो, टेनिस की बॉल, रबड़ की बॉल, कुछ भी रख दो, दीवार पे आप एक बॉल रख देंगे तो वो बॉल कितनी दीवार को टच करेगी, कितनी दीवार के साथ शेयर होगी सर? वो बॉल कितने के साथ शेयर होगी? ये बॉल मैंने मान लो लेट से ऊपर वाली दीवार पे एक बॉल रख दी, कितने के साथ शेयर होगी सर? अभी तो वन खाली एक फेस के साथ, कितने फेस के साथ शेयर होगी सर? अभी तक तो एक की हो रही है। प्यारे बच्चों ऐसा का ऐसा यूनिट सेल ऊपर भी आएगा, ऐसा का ऐसा यूनिट सेल ऊपर भी आएगा, ऊपर भी आएगा तो उसके साथ भी शेयर होगी, जब उसके साथ भी शेयर होगी तो याद रखना टोटल एक फेस से जो एटम रखा है वो कितने फेस के साथ शेयर हो गया? वो टोटल 2 फेस के साथ शेयर हो गया, यानी हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? आधा हो गया, क्योंकि एक एटम 2 फेस के साथ शेयर कर रहा है।
आधा इधर आधा उधर, बात क्लियर हो गई, फील आ गई। तो यानी हर फेस पे जो कंट्रीब्यूशन हो गया वो कितना हो गया, हाफ हो गया। तो प्यारे बच्चों देखो, आठ कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, आठ कॉर्नर्स पे जब एटम प्रेजेंट है और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो टोटल एटम कितने हो गए, 1 एटम, पूरा 1 एटम प्रेजेंट हो गया। अब देखो छह फेस पे एटम प्रेजेंट है, मैंने भी आपको गिन के भी बताया कि छह फेस पे एटम प्रेजेंट है और हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, ये भी मैंने आपको फील दिला दी। तो यानी 6 × 1/2 कितना हो गया, 3 एटम्स हो गया। तो टोटल टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन FCC इज 4। सीधा सीधा ये क्वेश्चन बताए आपके जो क्लास 11th के स्कूल एग्जाम में सीधा सीधा आएगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंबल क्यूबिक, सीधा बोलोगे 1। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट इन FCC, सीधा कितना बोलोगे, सीधा बोलोगे 4। अब कोई पूछ ले 4 कैसे, मान लो आपके बगल वाला दोस्त पूछ ले, वो मान लो नीरज वाले से नहीं पढ़ता, आप तो पढ़ते हो, आप तो समझदार हो, तो आपको क्या बोलना है, अरे प्यार बच्चे ऐसे बोल देना, और दोस्त सुन, एक एटम तो पूरा पूरा 8 कॉर्नर के साथ रहेगा क्योंकि 1/8 कंट्रीब्यूशन है, और जो 3 एटम है क्योंकि 6 फेस पे प्रेजेंट है और हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ है, तो टोटल 3 एटम्स ऐसे हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई फेस सेंटर की। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर। देखो बॉडी सेंटर का सीधा सा फंडा है, 8 के 8 कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही रहेंगे, एज वेल एज बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट रहेगा, यानी पूरा का पूरा एक जो एटम है, पूरा का पूरा बॉल है, वो रूम के अंदर तो रहेगा ही रहेगा और एज वेल एज 8 के 8 कॉर्नर्स पे भी रहेगा। बात क्लियर हो गई। तो देखना 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया, 8 कॉर्नर्स हैं, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल कितना हो गया, 1 एटम हो गया। अब एक एटम कहाँ था, बॉडी के सेंटर पे था, बॉडी के सेंटर मतलब पूरा का पूरा एक बॉल रूम के अंदर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना, 1 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन इन BCC इज 2। बात क्लियर हो गई। 2 कैसे आया, सिंपल क्यूबिक के लिए याद रखेंगे 1 एटम, FCC फेस सेंटर क्यूबिक के लिए याद रखेंगे 2 एटम्स, और बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए याद रखेंगे 2 एटम्स। प्लीज ये सारी बातें याद रखनी है, आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझ में आई रही होंगी बातें, ठीक है। देखो टेंशन मतलब बस अगले 5 मिनट में लेक्चर खत्म होने वाला है, ध्यान से सुन लो जो बता रहा हूँ। देखो इनको कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने ये चीज यहाँ लिख दी है। देखो एन एटम प्रेजेंट इन द कॉर्नर बाय 8 यूनिट सेल, हेंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट द कॉर्नर टू अ पर्टिकुलर सेल इज 1/8। फेस सेंटर के लिए हाफ होता है, बॉडी सेंटर का पूरा कंट्रीब्यूशन 1 हो जाता है। ये सारी चीज मैंने यहाँ पे लिख रही है, पहला क्वेश्चन के साथ मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा आपके IIT JEE के एग्जाम में, आपके नीट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोर्ड लेवल से मैंने क्वेश्चन बता दिया, अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस है, आइसोट्रॉपी की डेफिनेशन पूछ सकता है, कंट्रीब्यूशन पूछ सकता है, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, एन आयनिक कंपाउंड हैज यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए आयंस एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, बी आयंस ऑन द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, द एम्पायरिकल फॉर्मूला। देखो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, मान लो एक कोई आयनिक कंपाउंड है ए और बी के साथ, ए और बी में जो ए आयन है वो तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, सर ए है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है मतलब हर कॉर्नर पे होगा, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में बोला है कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है मतलब हर कॉर्नर पे होगा, हर कॉर्नर पे जब वो प्रेजेंट होगा तो सर हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 × 1/8 1 हो गया, तो ए का तो 1 हो गया, बिल्कुल सही बात है। सर बी के बारे में बात कर लें, तो बी आयंस कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब के फेस पे प्रेजेंट है, सर टोटल फेस तो 6 होते हैं, बिल्कुल सही बात, हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो 6 × 1/2 कितना हो गया, 3 हो गया, अभी तक ये बात समझ में आएगी, 3 हो गया। बट सर क्या कॉर्नर वाला भी काउंट करेंगे, उसने बोला है क्या, नहीं बोला, नहीं काउंट करेंगे, बी ने खाली ये बोला है कि हम यहाँ पे फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस पिक्चर को देखो और कंसेप्ट देख लो फटाफट, सिंपल क्यूबिक में सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। और अब बात करें फेस सेंटर पे, तो मैंने आपको फील दिला दिया, फेस सेंटर में याद रखना कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे एज वेल एज ऑन द फेसेस ऑफ द क्यूब। देखो बार बार फोकस कर रहा हूँ, आई होप जितने प्यार से, जितने दिल से, जितनी शिद्दत से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों की भलाई हो, बच्चों को रिजल्ट अच्छा आए, आप लोगों के साथ पूरे साल रहेंगे, दिल से मेहनत करेंगे। तो आई होप चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, ताकि हर बच्चे को ये फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में पता लग सके, चीज़ों को सीख सके और मेहनत कर सके, ठीक है। वापिस क्वेश्चन पे आते हैं, फेस सेंटर की पिक्चर देख रहे होंगे आप, 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और 6 फेस पे प्रेजेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वही मैं जो आपको बताया था, नंबर ऑफ ए आयंस कहाँ प्रेजेंट थे, कॉर्नर्स पे थे और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1/8 × 8 दैट इज 1। बी आयंस थे फेस पे, तो 6 × 1/2 यानी 3 हो गया, तो एम्पायरिकल फॉर्मूला कितना हो गया, देखो ए 1 है और बी 3 है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए बी 3 हो गया, ए बी 3 यानी सी इसका करेक्ट आंसर है।
हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट आ रहा हो कि सर बी आयंस अभी आपने बोला कि फेस फेस सेंटर है, तो फेस सेंटर बोला होता तो प्यारे बच्चों कॉर्नर वाले भी काउंट करते, बट अभी उसने खाली क्या बोला है कि फेस पे प्रेजेंट है। इसलिए लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, ये थोड़ा सा कंपटीशन वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इन ए फेस सेंटर क्यूबिक, अब देखो उसने साफ साफ बोल दिया फेस सेंटर क्यूबिक FCC, वहां क्या बोला था, वहां खाली बोला था कि फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो लैंग्वेज से भी आपको घुमा सकता है एग्जामिनर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी एटम्स इन विच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स। ए एटम तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सर ए एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो कितना हो गया 8 × 1/8, बिल्कुल सही बात, यानी 1, ठीक है। बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर्स 1, अब देखो बी एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर, अब खाली बी के बारे में जो बात हो रही है वो खाली फेस के सेंटर पे है, कॉर्नर वाले काउंट नहीं करने, तो वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सर यहां तक तो क्वेश्चन पिछले जैसा था, इसमें क्या चेंज है, स्टार मार्क करने के लिए बोला है ना, कुछ तो धमाका होगा इस क्वेश्चन में। धमाका क्या है सुनो, वन ऑफ द ए एटम्स, ए एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर इन यूनिट सेल। 8 कॉर्नर थे ना एक क्यूब में, 8 कॉर्नर से एक एटम कॉर्नर से मिसिंग है, ये इस क्वेश्चन में ट्रिक है। एक एटम कॉर्नर से चला गया, बोला मैं नहीं रहूंगा इस कॉर्नर पे, मैं जा रहा हूं इस कॉर्नर को छोड़ के, अब मुझे बताओ सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा उस कंपाउंड का। अरे सर ये तो बहा दिया आपने, तो ट्रिक खेल दिया, कीप पेशेंस, बताऊंगा कैसे करने हैं इन क्वेश्चन को। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना कैसे, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखना बातों को ध्यान से सुनना, टोटल जो कॉर्नर्स होते हैं वो 8 होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला, मान लो अभी ये सोचो कि ए एटम, चलो सबसे पहले बी के बारे में बात कर लेते हैं, बी 3 कैसे आया ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि खाली फेस पे प्रेजेंट होते हैं, फेस 6 होते हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ, इतनी बार ये लाइन बोल चुका हूं, आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। फेस पे प्रेजेंट होते हैं 3 आ गया, 6 × 1/2 3 आ गया। ए के बारे में बात करते हैं, ए कैसे आया ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जल्दबाजी नहीं। ए एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट थे, लेट से अभी मान लो कोई कॉर्नर छोड़ के गया ही नहीं, 8 के 8 कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी 8 × 1/8, यानी 8/8 हो गया, 8 कॉर्नर, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8। अब क्या मैंने बोला कि एक कॉर्नर छोड़ के चला गया, पहले कितने थे, 8 थे, 8 × 1/8, अब एक कॉर्नर छोड़ के चला गया तो कितने एटम्स बचे, 7 बचे, 2 छोड़ के जाता तो 6 बचते, पर अभी कहां पे कितने छोड़ के गया, एक एटम कॉर्नर छोड़ के चला गया, तो 7/8 लिखूंगा। क्या ये बात जिसको समझ में आ गई, उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 7/8 क्यों लिखा है दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। 7/8 इसलिए लिखा है प्यारे बच्चों, मैं 8 × 1/8 लिखता हूं, पहले भी आपको बताया था कि 8 कॉर्नर है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, एक कॉर्नर पे से एटम छोड़ के चला गया तो बच कितने गए, 7 कॉर्नर बच गए जिन पे एटम प्रेजेंट है, इसलिए 7/8, ये बाय 8 क्या है, 1/8 है, क्योंकि हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो A:B रेशियो क्या हो गया, A:B रेशियो हो गया, A कितना है, 7:8:3, 8 इधर चला जाएगा, यानी 7:24, 7/8 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 7:24, यानी A कितना है, A 7 है, और B कितना है, B अपने पास यहाँ पे 24 है, बात क्लियर होगी, तो फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज A7 B 24। आई होप ये सारी बातें क्लियर होगी होंगी, काफी अच्छा सवाल था, A7B24 सी इसका करेक्ट आंसर है, बात क्लियर हो गई। इस लेक्चर में जो पढ़ाया है बड़े प्यार से पढ़ाया है, 5 से 6 लेक्चर्स आपको मिलेंगे जिसमें सारा थ्योरी कंप्लीट करूंगा, सॉल्व न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। मैं नहीं चाहता को उड़ाने को इस टॉपिक को मैं 5 मिनट पढ़ा दूं, बट समझ में नहीं आएगा यार आधे बच्चों को, ये मतलब ऐसे खाना पूर्ति कोई करनी है दिवालिया कोई, बस पढ़ा दिया बस चले गए, यार एक एक बच्चे को एक एक चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए इतने प्यार से इतने धीरे धीरे आराम से पढ़ाया है। यदि आपको लैंग्वेज चाहिए कि इंग्लिश में पढ़ाइएगा सर कि सभी बच्चों को समझ में आए, तो अगला लेक्चर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। लेक्चर 2 के लिए स्टे ट्यून्ड, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, ताकि सब बच्चे उन सब चीज़ों को देख के बहुत कुछ सीख सकें, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इस चैप्टर को मैं बोला है ना 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, अगला लेक्चर आपके पास जल्दी आ रहा है, ठीक है, पेशेंस रखना, काम जल्दी जल्दी मिलेगा, होमवर्क आपको डेली डेली करना है, ये टॉपिक पढ़ा दिया, NCERT खोल के सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लेना, बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत फायदा है यार, मतलब वी आर टू क्लोज टू 1 लाख सब्सक्राइबर्स, एंड आई होप कि आप 1 लाख से 1 मिलियन पहुंचाने में हमारी हेल्प करेंगे, इतना प्यार आप जो दे रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।